अभी चेक इन हो रहा है बैग का, नेक्स्ट नंबर मेरा है, यहाँ पे चेक इन है, यहाँ वेट डालना है एंड सब कुछ करेंगे जो भी प्रोसेस है। ये चेक इन काउंटर, यहाँ चेक इन हो गया, अब आई मीन ड्यूटी फ्री। बट अभी फ़िलहाल मेरे को गेट ढूंढना है, गेट ढूंढने के बाद मुझे बोर्डिंग के लिए वहाँ पे देखता हूँ, मतलब गेट नंबर पे पहुँच जाता हूँ एटलीस्ट, उसके बाद चेक करूँगा क्या सीन है। बट यहाँ ड्यूटी फ्री में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। वाटर बॉटल के लिए पे करने दो मुझे, माय वाटर बॉटल। मुझे इस साइड जाना है, आपको दिख रहा है तो पूरा मेरा गेट नंबर 1 जहाँ मेरे को जाना है। इमिग्रेशन रहती है वो कराते हैं, उसके बाद आपको प्रोसेस बताता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो के एंड में भी बता ही दूंगा मैं वैसे तो, सो दैट आप वीडियो देखें पूरी। ये फ्लाइट थी मेरी जिसमें मैं अभी आया यहाँ से ऊपर हैंड। सेवन आवर्स की फ़्लाइट के बाद फाइनली इस्तांबुल पहुंच गया, अब यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है टोरंटो की, तो अब मेरे को अपना गेट नंबर अभी साइन नहीं हुआ है, सो अभी वो कंफर्म करना है। इस्तांबुल में दोबारा सिक्योरिटी चेक हो रहा है, मेरा गेट F8 है, तो मेरे को अभी वहाँ जाना है। F8 के लिए टोरंटो के लिए मतलब बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। F8 गेट पर पहुँच गया, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है इस्तांबुल टू टोरंटो के लिए, और अभी लाइन लगी हुई है बहुत बड़ी। यहाँ पे हमारा हॉल्ट जो था 4 आवर्स का, वो बिकॉज हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो उसकी वजह से अब हमारे को यहाँ रुकना ज़्यादा नहीं पड़ा, 15 या 20 मिनट हुए आफ्टर सिक्योरिटी चेक हमारे यहाँ बैठे हुए, और इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब हम जा रहे हैं प्लेन में। दस घंटे लंबी फ्लाइट और अभी भी 4 आवर्स बचे हैं फ्लाइट को लैंड होने में, थक चुके हैं, 1 घंटा बचा है। कनाडा लैंड हो गए हैं और भाई मिला मेरे को हरियाणा का, भाई नाम क्या है? संदीप। भाई भी फ्लाइट में इस्तांबुल में मिले हम, और अभी इमिग्रेशन होना है तो इमिग्रेशन के बाद मिले, ऐसे लाइन में चले हुए हैं इमिग्रेशन के। इमिग्रेशन डन और स्टैंपिंग सब कुछ हो गया है, अब जा रहा हूँ लगेज लेने, भाई का भी साथ साथ ही हो गया था। बड़ा कुछ भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा? सबसे बड़ा मिथ, कोई क्वेश्चन पूछते हैं बहुत रेयरली, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, कॉलेज कौन सा है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और कुछ नहीं है बस। हाँ, लगेज के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, अब लगेज कलेक्ट करना है। भाई बहुत टफ है लगेज ढूँढना, इतना तो वीज़ा लेना टफ नहीं है जितना यार लगेज ढूँढना मुश्किल। ये इतने सारे लगेज में अपना लगेज मिला, भाई का ही मिल गया, मेरा ही मिल गया, लगेज मिल गया, हुडी जैकेट जो भी है डाल दी है, लगने लग जाएगी क्योंकि -5 है बाहर टेम्परेचर, और बस बाकी बातें घर जाके। भाई बहुत ठंड है कनाडा में, अभी अभी बाहर निकले, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ तो ठंड है,